केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोध चारित्र पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनि गण, अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन। साधु को प्रतिक्रियाओं से बचने की जरूरत होती है। जो व्यक्ति एकदम प्रतिक्रिया देने से बचता है वो शनि शनि उस शांति की आराधना करते हुए संत हो जाता है, मुनि हो जाता है। और ऐसे लोग अपने आप को तो बदलते ही हैं, संपर्क में आने वालों को भी बदल देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को तिन्नाणंग तारियाणंग कहा जाता है, खुद भी संसार सागर से तरते हैं और दूसरों को तारते भी। प्राचीन समय की एक घटना है, एक बौद्ध भिक्षु पाटलिपुत्र नगर की तरफ आ रहे थे, देहात में जंगली सुनसान इलाके से विहार कर रखे थे, आते थे पैदल चलते हुए, पाद विहारी किया जाता था। एक व्यक्ति उनके पीछे पीछे लग गया, वो रास्ते पर भिक्षु को अपशब्द करता रहा, कुछ न कुछ बुराई भी करता रहा पीछे पीछे, लेकिन वो शब्द उस भिक्षु के कानों में पड़ते थे। और वो भी अपने भड़ास को इतना तेज से बोलता था जिससे उनके कानों में वो चीज पड़ जाए, उनको चिढ़ाने के लिए। पहलवान सा था, मजबूत हत्या करता था, पढ़ा लिखा लगता था, उसको अपना विद्वत्व का बड़ा घमंड लगता था, जैसे रेसलर हो, उसकी बॉडी भी ऐसी बनी हुई थी। वो हर ऐसी तकलीफ परेशानी का मुकाबला करने की ताकत भी रखता था, इसलिए वो ऊंचे शब्दों में भिक्षु की चर्या की, उनकी परंपरा की बुराई करता हुआ, टोंड कसता हुआ चलता रहा। लेकिन भिक्षु भी आगे आगे चल रहे थे, वो आगे जाता नहीं था, पीछे पीछे आता, बोलता हुआ आता, चिढ़ाता हुआ आता। भिक्षु शांति के साथ चल रहे थे। जब नगर एकदम निकट में आया, एक नगर निकट में आया, नगर के निकट वो पहुंचे, तब भिक्षु उस व्यक्ति के अपने पास बुला करके उन्होंने इशारे से बुलाया, रुके उसके लिए। और अगला तो इतना तगड़ा था, उसको डर की तो कोई बात नहीं थी, वो धीरे धीरे उनके पास आकर के रुक गया। तो भिक्षु बोले,
प्रियात्मन, अब नगर आने वाला है और जो भी अपशब्द तुमने बोलना हो, जो भी कटाक्ष तुमने करना हो, जो कुछ भी बोलना हो तुम यही कह डालो, जो आपने कहना है बोलना है मुझे यहीं पर कह लो, और जितना कह सकते हो, जितना कहने की इच्छा है कहो, जो बोलने की इच्छा है बोलो, जो तुम्हारी शिकायत है सब कुछ बोलो, निसंकोच होकर के बोलो, क्योंकि अब नगर प्रारंभ हो रहा है और इस नगर में मेरे बहुत से शिष्य हैं। अगर उन्हें तुम्हारी बात का पता लगे, तुमने उनके सामने कुछ कहा तो तुम्हारे को नुकसान पहुंचा सकता। मैं नहीं चाहता, क्योंकि तुम इस जंगल में मेरे सहयात्री बने रहे, साथ में आए, और मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि हो। वह आदमी भिक्षु की सहृदयता देख करके अपने अपशब्दों को इस तरह से कहने के लिए लज्जित हुआ। उसने भिक्षु से बड़े मुश्किल से आंखें मिलाई, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की। उन्हें क्षमा कर देने के लिए प्रार्थना की तो भिक्षु ने कहा, क्षमा की स्थिति तो वहां उत्पन्न होती है जहां मैं आपके प्रति क्रोधित रहूं। अगर मुझे क्रोध आया होता, मैं उत्तेजित हुआ होता, मैंने तुम्हारा भला बुरा सोचा होता, मेरे मन में तुम्हारे प्रति दुर्भावना आई होती, तब तो क्षमा करने की बात थी, लेकिन मुझ में तो कोई क्रोध नहीं है तुम्हारे प्रति, कोई उत्तेजना नहीं, मेरे मन में जरा सा भी तुम्हारे प्रति दुर्भावना पैदा नहीं हुई, बल्कि मेरे मन में तो तुम्हारे प्रति बड़ी करुणा पैदा हुई कि आप मेरे निमित्त से बेमतलब में अपने मन को मलिन कर रहे, मानसिक कर्म का बंधन कर रहे, मन को मलिन करके अपनी आत्मा की शक्ति को कमजोर कर रहे हो, ये तो मेरे मन में बड़ी करुणा आती रही कि मेरे निमित्त से तुम्हारे को मन को मलिन करना पड़ा। मैं तो पूरे रास्ते में आपके कल्याण की कामना करता रहा, आपके सुख की कामना करता रहा, ये सब जो कुछ भी तुमने सोचा या बोला उससे जो भी अशुभ हो वो अशुभ नष्ट हो, ऐसी प्रार्थना करता रहा। ये सब सुना वह सहयात्री जो पता नहीं कब से अभिमान में, गर्व में, क्रोध में भरा हुआ था, इतना प्रभावित हुआ, इतना शर्मिंदा हुआ और इतनी ग्लानि हुई उसको, आत्मग्लानि हुई कि मेरा पढ़ना लिखना, विद्वान होना, समझदार होना, वो सब कुछ बेपारी हो गए। एक भिक्षु के सामने मेरे व्यक्तित्व का तो कोई मूल्य ही नहीं है, इतना आत्मग्लानि से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे
अपना शिष्य स्वीकार करके, शिष्य बना करके मुझे प्रायश्चित थे। मुझे अपना सेवक बना करके प्रायश्चित थे। मैंने न मालूम अपनी जिंदगी में ऐसे कितने कार्य किए हैं, कैसे कैसे मन को मलिन किया है, उस सब को धोने का मौका दें, उन सब की शुद्धिकरण का मौका मुझे प्रदान करें। जब उसके सहज परिवर्तन को देखा, सहज समर्पण को देखा, तो पाटलिपुत्र की यारता करते हुए उस शांत भिक्षु ने उनको भिक्षु धर्म का थोड़ा सा दिग्दर्शन करवा करके उन्हें भिक्षु दीक्षा प्रदान की और उसका नाम आर्यवर्धन रखा कि तुम आर्य हो और तुमने अपने जीवन को बहुत ऊंचा किया। जो आत्मग्लानि की गहराई में पहुंचता है वह अपने जीवन को उतनी ऊंचाई के ऊपर पहुंचाता है, तो तुमने अपनी आत्मा का वर्धापन किया है, उसको ऊंचा उठाया है, इसलिए तुम्हें मैं आर्यवर्धन नाम देता हूं। बौद्ध परंपरा में आर्यवर्धन का नाम बहुत प्रसिद्ध है। अनेक बौद्ध दार्शनिक ग्रंथों की रचना आर्यवर्धन ने की, विपुल साहित्य भारतीय साहित्य जगत को प्रदान किया। भिक्षुक आर्यवर्धन ने अपने साहित्य में जिस बात पर विशेष बल दिया है, हर कुछ भी साहित्य लिखा तो उसमें विशेष रूप से ये बात दी, बल दिया, सर्वभूते हिते रता, कि मनुष्य को सर्व कल्याण की कामनाओं से ही रहना चाहिए, जीना चाहिए, खाना चाहिए। हमारा जो भी क्रिया हो, जीवन की क्रियाकलाप हो, उसमें सर्वभूत हिते रता का भाव रहना चाहिए। मानव के कल्याण में लीन रहना ही सच्ची साधना और सच्ची तपस्या है। ये बात उन्होंने हर जगह पर एक संदेश के रूप में देने का प्रयत्न किया। तो संयम रखने वाले लोग, अपने आप को जीतने वाले लोग अपने आप को तो ऊंचा उठाते हैं और बहुत लोगों के कल्याण का कारण भी बनते हैं। इसलिए अपने आप को संयमित करना, अपने आप को बदलना, अपने आप को अच्छा करना, यही दुनिया का भला करना, इस संसार का कल्याण करना। और ऐसा ही अभ्यास संत मुनिराज, साधक, भिक्षु, सन्यासी अपने जीवन के अंदर करते रहते हैं। ऐसा करते रहते हैं तो यहाँ भी आनंद रहता है, प्रभाव के अंदर भी आनंद रहता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।